हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी 3 बजने वाले हैं और मैं गुड्डू के पापा चल दिए हैं बुढ़ाना। जो भी किसी को कुछ सामान मंगाना अभी बता दियो, फिर दिन छिप जाएगा। नहीं फिर ना बताइयो, ठीक है चिंकी? अगर तेरा कुछ सामान आना हो तो तू बता दिया। मैं तेरे तो रंगोली के कलर है, रंगोली के कलर ठीक है। एक जोड़ी तेरे ला देंगे, एक जोड़ी गुड्डू के ला देंगे। नरे अपने खोइयो, खिंडाइयो, बनाइयो, कुछ ही करियो, ठीक है? तो चलो जी चलते हैं। फिर हमें जो है पूजा पाठ की भी तैयारी करवानी है और खाने में जो कुछ बनाना बता दियो। चलो चलो चलते हैं। और ये भी एकदम से रेडी है गाइस। अभी मैं और चाचा जी जा रहे हैं गांव में ही रंगोली के कलर लेने के लिए, क्योंकि हमारे गांव में मिल जाएंगे। दिवाली का फेस्टिवल है, हमारे गांव में एक बड़ी दुकान है, उस पे तो मिल ही जाएंगे। और मम्मी जी आएगी बहुत लेट, तो हमें लेट हो जाएगी रंगोली में भी, और हमें सजावट भी करनी, मतलब पूजा के लिए रंगोली बनानी है। और वैसे तो हमने सारी सजावट कर रखी। तो गाइस चलते हैं। तो गाइस मैंने जो है सामान ले लिया जो जरूरत का है पूजा पाठ का और गिफ्ट के लिए। इसमें मैंने एक सूट का कपड़ा रखा और एक पैंट शर्ट जो चाची जी आती है वो देने के लिए हमें कॉस्मेटिक्स का सामान, उन्हें मैं हर साल गिफ्ट देती हूँ। तो ये रहा सूट, देखो कितना बढ़िया कलर है इसका, ये वाला, और एक पैंट शर्ट है। और बाकी के गिफ्ट जो है एक दो जगह और जाएंगे, वो आकर जो है भिजवा दूंगी मैं, क्योंकि मिठाई तो अभी आवेगी। पिछले साल तो हमने सुबह के टाइम ही मिठाइयों के डिब्बे मंगवा लिए थे, अब की बार भूल गए, इस टाइम दे आए थे सबको। अब की बार माँ बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहे, कल नहीं आते, कल भी याद नहीं रहे, अब याद आए इनको। हाँ शाम के टाइम मिठाई भी तो चाहेगी, हमने अपने लिए ही ध्यान नहीं करा। माँ वाली हमें थोड़ा सा पेड़े बना लेंगे पूजने के लिए। हाँ बेटा तेरे पापा नु कह रहे वे लड़ी, अब देखाने का टाइम नहीं है। गाड़ी में जाओगे तो मार्केट में अंदर थोड़ा चली जाएगी, बारीक बारीक सी गली है, सरकारी अस्पताल के दूर है वह दुकान जहाँ तक लाए थे। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है। सोन पापड़ी, चलो देखेंगे क्या क्या लाऊंगे। सोन पापड़ी और बालू शाही ले आइयो, ठीक है? रसगुल्ले नहीं लाने के। चिंकी को कहा, मैं चिंकी चला गया, तुम कह रही मैं नहीं जाती, उसे रंगोली बनानी ना। मैं कहा जब मैं तुझे जबरदस्ती गाड़ी में घेर लूंगी तुझे पता चल जाएगा, पर जा नहीं रही बिल्कुल भी। चिंकी से काफी मैंने रिक्वेस्ट की, मैं बेटा चल हमारे साथ में, लेकिन उसे नहीं जाना था, बोल रही मैं तो यहीं से सामान ले आऊंगी, जब तक आप आओगे तब तक तो काफी देर हो जाएगी, रंगोली अब से बनाना शुरू करेंगे तभी तो बन पाएगी। वैसे भी इससे पहले बननी चाहिए थी, हमने कल ध्यान नहीं दिया, कल ही लाने थे रंगोली के कलर, बच्चे लग जाते अपने काम में तो ठीक है, 10 मिनट लगेंगे यहाँ से। हाँ इसलिए अब वो ले आओगी जाके, क्योंकि रंगोली बनाने में टाइम लगे। मैंने कहा कलर लाइयो दो डाल के, दोनों अलग अलग लाइयो अपने वहां कभी फिर झगड़ा करो, वह देने की नहीं मगा तुझे। सबसे पहले कहाँ चलेंगे? सबसे पहले चलेंगे पूजा करने के लिए अपने देवताओं पे, ठीक है? ठीक और बस इधर से ऐसे ही घूम आ जाओगे, सामान लेते आओगे बाहर से, है ना? उसने मुझे गुलाब के फूल और कहा। यहाँ के मिली जी थोड़ी सी भीड़ भाड़, नहीं तो जो है रास्ता एकदम क्लीन मिल रहा। और यहाँ पता चला कि यहाँ दिवाली की शॉपिंग खूब हो रही है आज भी। इधर देखो छोले कुलचे खाए जा रहे, तो दो बहने आराम से खा रही है आराम से छोले कुलचे। हमारे भी आज पाव भाजी का ऑर्डर लग रहा। चलो देखो भाई क्या क्या बना कर। एक तो कह रही थी, कह लगी छोले बना लियो, पूरी बना लियो, चावल बना लियो, बस छुट्टी। मैंने कहा छोले भिगो के धरे थे, उसे तो पता छोले बनाना बहुत आसान है, इजली बन जा, वैसे ही बन जा। नहीं तो उसे तो ये पता, गाड़ी लाने की सबसे बड़ी समस्या यही है, देवता जो है हमारे यहाँ पे वो पीछे चले गए और पार्क करने की जगह कहीं नहीं मिली इस टाइम। तो यहाँ पे जो है दुकान के सामने कहीं खड़ी नहीं कर सकते। तो चलो भाई अभी जो है मोड़ के लाओगे और दोबारा से जगह देखेंगे, पास में ही जहाँ पे गली सी है ना वहाँ पे देख लियो, पीछे से को लगा दियो, बस 5 मिनट का ही तो काम है। पूजा पाठ कर कर अपना फिर जो है खरीदारी कर लेंगे, जो भी हमारा सामान है यहाँ से दूर पड़ जाएगा, है ना? मोड़ के लंबा बस मोड़ के ही लिया हो तो इससे बढ़िया, तो नहीं तो यहाँ खाली सी जगह लग रही है देखो, लेकिन यहाँ से बहुत दूर चलना पड़ेगा और देखो अपने नजदीकी खड़ी करनी पड़ेगी, इतनी दूर कर भी नहीं सकते है ना। बड़ी मुश्किल तो भाई छोटी सी पार्किंग मिली और पूजा पाठ के लिए आ गए, भीड़ बहुत है ना, तो सड़क किनारे भी कहीं भी जगह नहीं थी और काफी दूर आगे जाके भाई घुमा के लाया मैं गाड़ी, तब जाके थोड़ी सी जगह मिली। गाड़ी वहाँ भी खड़ी थी पर वो चली गई थी जब तक। तो ये हैं भाई हमारे कुल देवता बुढ़ाना में, और हर साल दीपावली पे हम इनकी पूजा करते हैं होली पे,
तो दो ही बार पूछते हैं इन्हें, अब ये पता नहीं मुझे दो ही बार क्यों पूछते हैं। वैसे तो वहाँ जो गांव वाले हैं वो तो संडे में भी पूजे जाते हैं। भाई दो ही काम है मेन, तो एक तो है कि भाई कुछ मिठाइयाँ ले जानी है, है? और एक यहाँ पे पूजा पाठ का था, और मिठाइयाँ ले जानी है कई सारे डब्बे, तो इसलिए गड्डी बोला। गाइस हम लोगों की पूजा यहाँ की हो चुकी है, अब लेते हैं घर का सामान जो जो हमें बताया गया है। तो चलो जी चलते हैं। और ये भी चले गए थे मत्था टेकने के लिए, क्योंकि पहले हमें पार्किंग नहीं मिल रही थी ना, इसलिए तो जुगाड़बाजी करके हमने थोड़ा हर रोड से बचा के लगा दिया यहाँ पे। और जहाँ पे छोटा गेट दिख रहा ना रिक्शा के पिछली तरफ, वहाँ पे है हमारे बहुत सारे देवता, वो आपको हमने दिखाई दिए। चलो जी लेकर राम का नाम। गर्मी हो रही देख लो, लग नहीं रहा दिवाली है, पसीने आ रहे बाहर निकलती सारो, इतनी गर्मी हो रही। कुछ प्रदूषण होगा, कुछ पटाखों की होगी। इतने भी पटाखे नहीं हो रहे देख लो, कहीं से आवाज आ रही बिल्कुल भी शहरों में, शहरों में नहीं कस्बे में, हमारे बुढ़ाने में कहीं तो आवाज आ रही पटाखे की देख लो, आता नहीं रही। शाम को आओगी, आज ही है दिवाली, और आज कल को है तो कल लोग आओगे आवाज। आज तो गेंदे यहाँ भी रखे, पर आज तुम्हारे घर चले ही गई गेंदे पहले ही, माला भी बना दी बालकों ने, बढ़िया माला बना रखी। बुढ़ाने से पाल समझते हैं जी। और कैसे हो मैम? बढ़िया है जी, बढ़िया जी। बाप मारे तो बच्चे आपकी वीडियो देख रहे हैं, मैंने तो उठे अलग तरह से पवन है भाई। भीड़ है थी बहुत ज्यादा, लेकिन स्टॉक जो है थोक में ले रहा था उसके लिए अंदर सेवाएं थी, और मैंने ले ली है मिठाइयाँ सारी, डब्बे करवा लिए हैं पैक, देखो ये रही, और जल्दी काम हो गया, नहीं तो भीड़ के हिसाब से मुझे लग रहा था कि बहुत देर लगने वाली है। तो गाइस ये लेने के लिए चले गए थे पहले मिठाई के डब्बे, ये देखो ये लिया आई, और मैं इसमें बैठी गाड़ी में, यूँ कह रहे रहने दे ज़्यादा तेज़ वाहन चल रहे तो यहीं बैठ कर आराम से इसका ध्यान रख दनों का। और अब मैंने इन्हें बताया मोमबत्ती ले आओ और पाव ले आओ, क्योंकि बाकी की सब्जियां तो वहाँ से मिल गई गाँव में से, लेकिन गाजर नहीं मिली, गाजर हम लोग यहीं से ले कर जाओगे। और एक दो सब्जियाँ हैं वो तो सब वहाँ से मिल गई थी, कुछ तो हमारी किचन गार्डन की हैं वो यूज हो जाएंगी, तो मैंने जो जो बोला था प्रीति को वो काट कर रख ले। रंगोली बनाने के कलर नहीं मिले वहाँ पे, वो भी यहीं से लेके जाने पड़ेंगे, अब देखते हैं कहाँ पे मिलेंगे कहाँ पे नहीं, तो अंदर मार्केट में तो मिल जा मुझे इतना पता, लेकिन गाड़ी का ये है झंझट सारा, और कुछ नहीं है, इन्हें कहीं बाहर खड़ा करना पड़ेगा, मुझे ही अंदर जाना पड़ेगा तब मैं लेके आऊँगी। सड़क के उस पार जाकर मिले हैं फ्रूट्स, और वहाँ से ले रहे हैं गुड्डू के पापा केले और सेब, ये देखो वे खड़े वहाँ पे, और मुझे लगा कोई और भी मिल जाए यहाँ पे, तो खुद ही कर ली इन्होंने सारी शॉपिंग, ये देखो क्या क्या लाए, कई सारी चीजें अभी शॉर्ट है, जो इधर से लेनी थी वो ले ली हमने, और ये कह रहे कि गाजर और जो दो तीन आइटम और है वो अब हमें लेने हैं, और गुलाब का फूल नहीं मिला भाई, कई जगह पूछ लिया गुलाब का फूल, मैंने यहाँ पीछे पूछा था फूल वाले से तो यहाँ पे भी नहीं मिला भी। तो आगे एक और दुकान है वहाँ से पूछ लेंगे, वहाँ पे हर बार हम लोग फूल लेके जा रहे हैं। यहाँ पर मिलती है कई प्रकार की सब्जियाँ, तो हमारी जो पसंद की गाजर है वो भी यहीं पे मिलेगी, और ये कह रहे हैं कि यहीं से ले लेंगे गाजर, और मुझे थोड़ी सी गाड़ी बस घुमानी तो पड़ेगी, मैंने कहा आप मुझे वहाँ पे छोड़ देते, मैं अंदर से सामान ले आती बाजार का जो काम था, लेकिन गाजर भी मुझे लानी पड़ेगी क्या? रंगोली के कलर दे दो, मोमबत्ती दे दो, मोटे वाली दो, ये बारीक बारीक सी ना दो, ये तो मोटी नहीं, देखो बारीक सी लग रही मुझे तो, ये देखने से ये वाली दो, ये टिक तो जावे, एक पैकेट और दे दो, कितने का एक पैकेट? 70। एक और दे दो, उनसे पूछ के लेना, एक और दो भैया, क्या करो रास्ते से भैया, एक और दे दो बस। कलर लेने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा पैदल बहुत दूर से, लेनी बाहर कहीं भी, एक और दे दो भाई, एक और दे दो, दो चाहिए ना, तो यहाँ से ये वाली शॉपिंग मैंने कर ली। दोनों के अलग अलग लाई, टेंशन ना लो, इन्हें फिकर हो गई थी फिर गुड्डू अपने कलर में, तो चिंकी को देने की नहीं राड हो जाएगी मुंडी वाली है और त्योहार के टाइम पे सबको सुख शांति चाहिए घर में, राड करे तो कोई फायदा नहीं है चलो मैं दोनों के अलग अलग लाई इसी वजह से, अब रह गया बस गुलाब का फूल, बाकी सारी चीजें हमने ले ली, गाजर भी मिल गई और सब्जियां वहां से ले ली थी इन्होंने,
गुलाब का फूल मिलेगा यहाँ से। तुम कहाँ है वो दुकान सी? यहाँ तो भीड़ सी होती जब आगे आगे क्या उससे। अच्छा हंस रहे। पाल फैमिली फेमस होने वाली है लोकल में। पाल फैमिली के जो सब्सक्राइबर है लोकल में भी बहुत सारे हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई। देखते रहो ऐसे ही, सपोर्ट करते रहो अपनी पाल फैमिली को, और मिल भी रहे सबसे। गुलाब के फूल की कमी रहेगी, बाकी सब फूल गेंदा फूल चमेली फूल कनियर फूल बैंगन फूल टमाटर फूल ये तो सब हो गए। सब हो गए। गुलाब के फूल की कमी रही थी तो उसके लिए जो है ये भी मिल जाएंगे, ये भी लेके चलेंगे भाई। हाँ। तो कंप्लीट हो जाएगा पूरा सामान, जितना हम टारगेट लेके आए थे हमारा टारगेट हो जाएगा अचीव। अच्छा भाई, और बाजार में देखो हाथ साफ कर रहा मैं। बात वो नहीं है कि भाई भीड़ में गड्डी लेके आ रहे, लेकिन हाथ साफ हो रहा मेरा बहुत आराम आराम से। होले होले साइड वाइड बचानी खूब सीख गया भाई मैं, और आराम से चलता रहा उसे ले गए। और जहाँ ज्यादा भीड़ सी है ऐसे उतर के भेज दो दुकान पे। हाँ, मगर तू ले सामान। तो भाई मैं इस तरह इंतजार करता रहूं सड़क किनारे गड्डी लगा के, गड्डी छोड़ के जाता नहीं भाई। पुलिस पुलिस वाले आवे भाई साहब तो तुरंत डालो जहाँ से भी कह रहे हैं, फिर अगे को चल पड़ू। नहीं सही बात। बड़ा अच्छा फील हो रहा आज तो, बहुत सारे सब्सक्राइबर मिले। अच्छा जो सामान हम लोग सोच के आए थे मिनिमम वो सारा हमने ले लिया, और बच्चे भी खुश, और बस मम्मी पापा भी कुछ बच्चों के। ये देखो जी अब अच्छे से तैयारी करवा देंगे। और इतना सारा सामान देखो बाइक पर ले जाना बड़ा मुश्किल था, बहुत सारा बोझ हो गया था। तो इधर से मिठाई का डिब्बा देने शुरू करा है, चाची का कैसा होगा? चलो फिर उधर को जाऊँगे, फिर इधर को। चलो अंकित को तो नहीं घर ही बुला लेते, पर फिर भी इधर को मोड़ दी, जब उधर से तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। है भाई साथ जगह ही तो यो। हाँ फिर तो ठीक है भाई, तन्ने सही कर एक्सेप्ट कर लिया जल्दी। ओ एक आयुष थोड़ा ले फिर रहा भाई। गाड़ी की दावत दो दिन दी अजी। हाँ अनु कह रहा था यो। हाँ। गाड़ी की दावत नहीं थी। हाँ। तो ऐसा दे देते गाड़ी की दावत दे देंगे। हाँ। जो भी कुछ खाता हो अनुकल भाई तू अपनी दावत कर पहले, वो जरूरी है। तो यहाँ पे अंकित रहता है, अंकित को मिठाई देनी थी वो दे दी, उसकी तबीयत खराब चल रही इसलिए वो कई दिन से दिखाई नहीं दे रहा, नहीं तो घर तो चक्कर लगाता रहे। और जब वो आता नहीं ना कई दिन तक तो मैं पूछ लू इनका मकान है नहीं क्या, वो गांव में ही काम करता रहे। अब इंगे को जाऊंगे घूम के। अब एक काम करियो आप बाइक पे आ जाइयो, गाड़ी मान लो तो कोई भीड़ नहीं है, मैं गाड़ी में रहूंगा तो झट पे सी देख के आ जाइयो। अच्छा ये उल्टी इंगे को घुमा के ले चलो। अब नियम तो पर अब तो परे हुई गाइज, हमें फिर से वापस जाना पड़ेगा क्योंकि दूसरी साइड से निकल के आए। अब दूसरी साइड में हमें फिर से जाना क्योंकि चाची जी का घर है वहाँ पे। तो चलो अब वहाँ पे देख आते हैं। तो गाइज मैं चाची जी को गिफ्ट देने गई थी ना, तो देखो उन्होंने मुझे सगुन में ये 50 रुपए दिए मिलाई, मतलब कितना वो करा। नु कह रही नहीं ठंडा पीण भी ना भेजने के लिए, मैंने कहा चाची लेट हो जाऊंगी पूजा पाठ करने में, मगर अब तो चलन दो फिर किसी दिन फुर्सत में आके पियेंगे ठंडा भी। उधार रख दिया हमने चाची जी के पास में ठंडा। तो चलो भाई अब घर पहुंचते हैं क्योंकि बच्चों का आ लिया फ़ोन दोबारा से और कह रहे कहाँ तक पहुंचे। मैंने कहा अभी हम बस नज़दीक ही हैं, अब पहुंच जाएंगे 10 मिनट में क्योंकि घूम कर आना पड़ा ना, आज तो हमने चक्कर भी बहुत लगा लिए। सही कह रहे हमने पूरे मार्केट के पूरे बढ़ाने की परिक्रमा ही कर ली। सही कह रहे हैं चीज़ तो आप। चलो ये परिक्रमा भी कभी कभी तो होनी चाहिए, पूजा पाठ भी तो कर रहे हम। जब भी मुझे कहीं तांगा मिले ना तो मुझे एक चीज याद आ गया गुड्डू की। जब मेरा बीए फाइनल था और गुड्डू को मैंने कड़ी से और बुढ़ाने तक टंगे बटाई थी, लेकिन बीच में भाई साहब ने जो है रुकवा दिया था तांगा। वे उस टाइम पे ना वहीं पे ड्यूटी करा रहे थे, उसे ऐसा था कि मुझे तो टंगे में बैठना, और इन्होंने मुझे बिठाई थी गड़ी वाली उसमें रोडवेज में। अब भी चला शायद वे, अब तो खैर बहुत दिन हो गए गाड़ी उसमें जाओ सामली जब जाकर होती में वे सारी चीजें याद आ जा। मगर गुड्डू भी एक बार तो रिक्शा में बैठने की, जब ई रिक्शा चली थी नई नई सी, गुड्डू चिंकी दोनों ने जिद करी हाँ तो रिक्शा में जाना, इन्होंने फिर मुझे बाइक पे उतारी फिर रिक्शा में बिठाई अपने आप हमारे साथ साथ बाइक पे चले। वरना फिर उन्हें रिक्शा के वे कुए क्या कह रहे मजे कुए। तो फिर किस नाम के देने के नाम के किसके गिफ्ट में सबको सबको हाँ मेरा भी है। हाँ तेरा भी है, क्या बनेगा आज खाने में? बहुत सारी चीज बनेगी बेटा, पाव भाजी बनेगी, मिठाई सेवैया बनेगी। मम्मी आ गई। क्या गिफ्ट चाहिए तुझे? तुम्हें रोज गिफ्ट ही चाहिए।
इतने सारे रंग ले आई मैं, दो डिब्बे ले आई थे, और एक गुड्डू का अलग है, चिंकी का अलग है। और तेरे पापा नु कहते अलग अलग ले लिए दोनों के, कभी तो पहले ही ला के दे रखे मैंने, एक तो चिंकी तो मैं बना दी, गुड्डू इधर बना रही, लेट हो जाएंगे पापा जी तो, और आप यहाँ ला दो। तो गाइस अभी जो है प्रीति ने भी इधर काम शुरू कर रखा, मिट्टी का चूल्हा जला रखा और वो बना रही है सिमाई, सिमड़ी बना रहा है हमारे यहाँ से, जिसके यहाँ जमे हो वो जमे बना ले, हलवा पूरी तो बनता नहीं तो ये जरूरी है। तो इसमें है मिठाई के डिब्बे, वो करके दे दू आपको, अभी दिया ही है एमा, कर दू ठीक है। और इसमें है मोमबत्ती, पान का पत्ता, और ये पाव बन जैसे लग रही है, लेकिन ये गोली बना हुए कह रहे थे हमारे यहाँ से तो यही पाव है, मैंने कहा भाई ये तो बंद है, कह रहे नहीं। और ये लाई मैं रंगोली बनी बनाई दरवाजे पर लगाने के लिए नए घर में, एक बरामदे में लगाइए, एक दिल्ली पर लगाइए ठीक है साइड में। और ये मिठाई के डब्बे जो दिए जाएंगे, इसमें केले और सेब है। तो ये थी खरीदारी जिसमें लग गया काफी टाइम और बहुत ज्यादा चक्कर लगाना पड़ा इधर। और यहाँ पे माँ कर रही है पूजा, कल की कढ़ाई करते हैं ना, तो ये आटे का हलवा बनाया जाता है जो कुत्तों के लिए बनता है, उन्हें खिलाया जाता है केवल। और इधर इन्होंने फूल तोड़ के तैयार कर रखे। आरुषि जब तेरे इसकी झल्लर फट रही बेटा, इसे निकाल दे या सारी खराब हो जाएगी, दूसरे वाला पहन ले, कोई बात नहीं ठीक है, लंच थोड़ी देर में बना देंगे। इतना बढ़िया आइडिया निकाला इसने ऐसे कलर करने का, ये कागज का बना के, और कलर बिल्कुल बढ़िया बैठ रहे है ना गुड्डू। और उधर मन्ने बनाई है, वो मन्ने बनाई, वो तन्ना बनाई, वो तो बढ़िया बना रखी, थैंक यू। कपड़े चेंज कर लिए इसने, अब ये कुर्ता पहन लिया, बढ़िया लग रहा चिंकी तेरा ये कुर्ता भी, वेलकम। और ये पान का पत्ता मैंने धो लिया, अब माँ लंगरी तैयार करेगी, तो है नी सुंदर चिंकी, चिंकी के बाल देख ले। तो गाइस माँ ने कर दिया है लंगरी तैयार, लंगरी बनाई जाती है इस तरीके से, ये देखो जी, ये देखो जी, ये एक दिया बनाया आटे का, इसमें दो बत्ती लगाई और इसमें दो लौंग लगाई, पान का पत्ता और पतासे ये होती है, और ये पूरे घर में जला के जो है घुमाई जाएगी। इसका क्या फायदा, चावल का माँ ने कहा जरा सी चावल के दाने लगे, चावल भी चाहेंगे इसमें। इधर पाव भाजी बनाने की तैयारी, भाजी के लिए हम पाव लेके आगे, और ये मुझे तो बंद लग रहे है, लेकिन उन्होंने कहा ये पाव है हमारे यहाँ के, मगर है तो वे भी जुड़े हुए, लेकिन उनकी सेफ गोल है, चकोर सी नहीं है। और इसमें सारी सब्जियां प्रीति ने काट काट के डाल दी, ये देखो कुकर में। तो लंगरी में जो है बत्ती माँ ने जला दी है, अब इन लंगरी को जो है पूरे घर में घुमाया जाएगा पूरे विधि विधान के अनुसार, ये देखो जी, जय माँ लक्ष्मी, जय लक्ष्मी माँ बोल के। और ये जो पूजा है वो सारी की सारी हमें भी सीखनी चाहिए, क्या क्या हमें त्योहारों पर करना चाहिए, देखो भाई देख देख के ऐसे ही तो सब सीख जा। हमारी मम्मी भी दुआ करती लंगरी, हमारे वहाँ तो उसमें जावे नहर में, नहर है ना नजदीक, जो सब पानी आया रहे तो उसमें दे दे, क्योंकि जोड़ में तो वहाँ से गंदगी भर रही, तो शोक समुन्दर सा खड़ा सारे जोड़ में। चिंकी चिंकी नू कह रही थी हाँ हमारे यहाँ तो जोड़ में साफ है तालाब में, अच्छा वो तो प्रीति हर के गांव के पास है, अरविंद भैया तो देख आवेंगे सर। और ये गिफ्ट जो है एक और माँ देकर आएगी, इसमें भी मन्ने से रख दिया मिठाई का डब्बा, पैंट शर्ट और एक सूट ये वाला, चलो माँ जी देकर आऊंगी सर। और ये ड्यूटी जो है अरविंद भैया की होती है दोनों त्योहार पे, क्योंकि वो छुट्टी पे जो है अपने घर आए रहते हैं, तो लंगरी देकर ना उन्हीं की ड्यूटी है, तो वही देकर आएंगे। माँ चली गई है गिफ्ट देने के लिए, और सारे घरों में घुमाया जाता है इसे, तो हमारे यहाँ तो लंगरी बोलते हैं, कहीं और किसी भाषा में किसी और नाम से भी जानते होंगे वो हमें पता नहीं, लेकिन जो हमारे यहाँ पर जैसे चीज़ें बोली जाती हैं बताई जाती हैं उसी चीज़ों को हम आपके साथ में शेयर करते हैं। तो अभी अरविंद भैया गए हैं छत पे, और जब तक इसे पूरे घर में घुमाते हैं ना तब तक किसी के साथ में बातचीत या कुछ नहीं करते, और जब देख कर आओगे तो पीछे को भी नहीं देखना। ये देखो हर जगह घर के कोने कोने में इन्होंने घुमा दिया, अब इसको जो है लेकर जाएंगे।